गैर राजनीतिक और गैर धार्मिक, ये शब्द जो बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन का मतलब है एससी एसटी ओबीसी या जो धर्म परिवर्तित माइनॉरिटीज हैं, उनको भारत में बहुजन शब्द के नाम से प्रचारित किया जाता है। कुछ लोग उनको इंडिजिनियस भी कहते हैं, यानी कि भारत के मूल लोग भी कहते हैं। तो उन लोगों में एक लगभग 10,000 से ज्यादा उनके संगठन है और उनके 20,000 तथाकथित राष्ट्रीय नेता हैं और चल रहे हैं। बहुत पहले एक संगठन बना था, उस संगठन में एक लाइन बनाई गई थी कि गैर राजनीतिक है और गैर धार्मिक संगठन है, यानी सामाजिक है मगर गैर राजनीतिक है और गैर धार्मिक है। अभी पिछले दो दिन पहले मुझे किसी ने रिक्वेस्ट कहा कि एक संगठन के कुछ लोग हैं, वो आपसे जूम पर चर्चा करना चाहते हैं, फुल डे चर्चा है, आप उसमें भाग लें। मैंने उसमें भाग लिया। भाग लेने के बाद में उन्होंने कहा कि ये जो संगठन है, ये जो काम करने वाले लोग हैं, ये सामाजिक हैं, गैर राजनीतिक हैं और गैर धार्मिक है ये सारा संगठन। तो मैंने अपने वादे के अनुसार पूरे दिन में उस पर बैठा और मैं पूरे दिन बैठने पे इन्होंने एक आध क्वेश्चन किया तो मैंने उसका जवाब दिया, बाकी मैं बोला कुछ नहीं, क्योंकि उनकी जो पहली लाइन है वो ही बेकार है। बेकार क्यों है? क्या समाज के अंदर राजनीति नहीं आती? क्या समाज के अंदर जो धार्मिक गतिविधियां हैं वो नहीं आती? समाज बेसिकली, आप सामाजिक संगठन कहते किसको हो? समाज के अंदर अगर ये धार्मिक नहीं आती हैं, गैर राजनीतिक नहीं आती हैं, तो फिर वो सामाजिक संगठन हुआ क्या? आप बेसिकली काम क्या कर रहे हो और क्या काम करना है? आप समाज के किसी हिस्से को नकार और खत्म कैसे कर सकते हो, मना कैसे कर सकते हो? या तो आप अपनी परिभाषा बदलो कि ये सामाजिक संगठन नहीं है, क्योंकि सामाजिक संगठन में समाज के अंदर जो भी चीज आती है वो तो समाज की है, आप उसको छोड़ कैसे सकते हो? तो आप या तो सामाजिक मत कहो या ये मत कहो कि भाई ये संगठन सामाजिक है और गैर राजनीतिक और गैर है, तो आप उसका कुछ और नाम दो। दरअसल एक बात बड़ी कमाल की है कि लोग सामाजिक संगठन के नाम से काम करने को मन बनाते हैं या उनका मन बनाया जाता है और कहते हैं हम राजनीतिक संगठन के साथ नहीं है। अरे भाई, राजनीति कहीं जहर है क्या? क्या राजनीति पॉइजन है? क्या राजनीति खराब चीज है? अगर राजनीति खराब चीज है तो आप देश में राजनीति को झेल क्यों रहे हो, उसका विरोध क्यों नहीं करते हो? और खराब किसने बताई है आपको, पहले आप उसे ढूंढ लो। कम से कम बाबा साहब अंबेडकर ने तो कभी नहीं कहा या भगवान बुद्ध ने तो कभी नहीं कहा कि राजनीति खराब है या राजनीति जहर है। तो इन दोनों व्यक्ति को छोड़ के उस तीसरे व्यक्ति को ढूंढ लो जिसने ये कहा है कि राजनीति खराब है और राजनीति जहर है, और ये भी देखना क्या उसने कभी बाद में राजनीति की या नहीं की, या वो राजनीति में कभी कूदा या नहीं कूदा, या वो आखिर में राजनीति में गया या नहीं गया। हर एक संगठन जो भी बनेगा भारत में या दुनिया में कहीं भी, वो आखिर में और पहले चरण में राजनीति ही करेगा, राजनीति में जाएगा। भारत में इसको राजनीति बोलते हैं, हालांकि राजकाज के कहीं कोई शब्द होता नहीं और राजकाज कहीं चलते नहीं, अब इसको गणनीति बोलना चाहिए, डेमोक्रेसी बोलना चाहिए, डेमोक्रेसी पॉलिसी बोलना चाहिए। बेसिकली ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये सिर्फ जो गणतंत्र है उसके आधार पर गणनीति है। तो गणनीति कहीं कोई बुरी नहीं है, क्योंकि आपके सारे डिसीजन जितने भी हैं, आपके खाने पीने हगने मूतने से लेके और आपके पढ़ाई लिखाई नौकरी और आपके देश विदेश के जितने भी डिसीजन हैं, उसको आज की अगर भाषा में कहें तो राजनीति करती है। राजनीति वो चीज़ है जिससे कि देश के मूवमेंट और दिशा बदलती है और विदेशों पर प्रभाव पड़ता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने राजनीति के लिए बाकायदा पार्टी बनाई, और भगवान बुद्ध के पास में जो राजा थे वो नीति जानने के लिए आते थे, तो भगवान बुद्ध उनको नीति पढ़ाते थे, राजा की नीति कैसा होना चाहिए, राजा का धर्म कैसा होना चाहिए। उस समय भी वो वही थे और जो डॉक्टर अंबेडकर ने देखे वो भी वही हैं, उन्होंने बदले नहीं और वो चल रहे हैं। तो राजनीति को किसने ये कहा कि राजनीति खराब है? सबसे पहले उसे ढूंढो, तो आपको व्यक्ति नहीं मिलेगा। आप अगर ढूंढेंगे एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कहता हो राजनीति खराब है, तो आपके दिमाग में ये बात डाल कौन रहा है कि राजनीति खराब है? दरअसल ये वो लोग डाल रहे हैं जो चाहते हैं कि आप राजनीति को खराब खराब करते रहें और राजनीति की तरफ ना देखें, क्योंकि डिसीजन पावर और सारी शक्ति तो राजनीति में है। बेशक आप वोट डालते हैं तो भी राजनीति कर रहे हैं, बेशक आप किसी का सपोर्ट कर रहे हैं तो भी राजनीति कर रहे हैं, बेशक आप किसी की बात को हाँ या ना कह रहे हैं तो भी राजनीति का हिस्सा है।
बेशक आप किसी की कही बात का कोई फल ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, राजनीति का हिस्सा है। बेशक आप किसी का विरोध कर रहे हैं, राजनीति का हिस्सा है। बेशक आप किसी की विचारधारा को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, राजनीति का हिस्सा है। तो राजनीति या गणनीति या पॉलिटिक्स तो हर चीज में हर जगह है। अगर आप देश में रहेंगे और देश में सिस्टम रहेगा तो राजा का सिस्टम रहे या गण का सिस्टम रहे या डेमोक्रेसी का या मोनार्की का रहे या कैसा भी सिस्टम रहे या कम्युनिस्टों का रहे, आप उसके हिस्सा रहेंगे तो आप उसमें आपकी बात चाहे आप चुप रहें या आप बोलें, क्योंकि आप चुप रहेंगे तो भी राजनीति का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि आप ये कह दें हम तो राजनीति का हिस्सा नहीं है। एक बटन होता है जो आज की डेट में आप दबाते हो जिसमें होता है नोटा, यानी कि आप अगर नोटा भी दबाते हैं तो भी राजनीति का हिस्सा हो गए, क्योंकि आपने ये कहा कि हमें ना ये पसंद है या नहीं, तो आपने अपनी पसंद बताई, ना आपको राइट पसंद है ना आपको लेफ्ट पसंद है, तो आपने मिडिल बात बताया, तो वो आपकी राजनीति हो गई। आपने अगर मताधिकार नहीं दिया, बायकॉट किया, तो भी राजनीति हो गई। यानी इससे बचने का कोई संसाधन है नहीं, और वो व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं जो आपके दिमाग में ये डाल के गया है या डाल रहा है बार बार कि राजनीति जहर है, क्योंकि वो खुद राजनीति कर रहा है। वो तो आपको कह रहा है कि आप मत आना भाई, इसमें मैं रहूंगा, इसके अंदर आप मत आना, बहुत खराब है, बहुत बेकार है, और सुनो ये क्रिमिनल्स की है, और सुनो ये जो पापी लोग हैं उनकी है, और सुनो इसमें बहुत घटिया लोग होते हैं, और सुनो इसमें बड़े चालबाज लोग होते हैं, और सुनो इसमें बहुत घटिया निकम्मे और जो बेकार लोग हैं वो होते हैं, और सुनो इसमें जो नाकाबिल लोग हैं वो होते हैं। बहुत सारे सेंटेंस बोलेगा, आपका मनोबल गिराएगा, आपको राजनीति में नहीं आने देगा। उसको जरा ढूंढना, पहचानना और उससे कहना कि भाई हमको मैंने कर रहा है, तू खुद क्यों इसमें गया हुआ है, तो कहेगा जवाब तो क्या देगा, आप खुद समझदार है, मगर उसको ढूंढ के पूछना जरूर। दूसरा आता है गैर धार्मिक। ये गैर धार्मिक क्या होता है, आपने अगर कोई धर्म को मानते हैं या धर्म को नहीं मानते हैं तो पहले आप अपने धर्म की परिभाषा देखिए, क्योंकि यहां तो जो जीवन की पद्धति है, जो पुराने समय की पद्धति है, जिसको लोग धार्मिक बोलते हैं या कहीं धम्म बोलते हैं या कहीं रिलीजन बोलते हैं या मेथड बोलते हैं, पुराने समय में तो लोगों के जीने के वही नियम थे। पहले कहीं संविधान ऐसा नहीं होता था, संविधान का ही धर्म बोलते थे। यानी आज के समय में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, आप उसको संविधान धर्म बोल सकते हैं। भगवान बुद्ध ने जो धम्म दिया है उसको आप जीने की पद्धति बोल सकते हैं, वो ह्यूमन का धर्म हो सकता है, ह्यूमनिटी का धर्म हो सकता है, और एक ऐसा हो सकता है जो इनह्यूमनिट हो, यानी कि जो मनुष्य के विपरीत हो, वो भी संविधान या विसंविधान या आप उसको कह सकते हैं कि वो संविधान के विपरीत विषम विधान हो सकता है या असम संविधान हो सकता है, मगर है वो भी विधान, है वो भी धर्म के अंदर, वो है भी वो भी धर्म। तो पूरी दुनिया में लगभग 4,300 पद्धतियां हैं जिनको आप रिलीजियस बोलें या ना बोलें, मगर उसको ह्यूमन मानता है, उसको प्रैक्टिस करता है। भारत के अंदर जो पुरानी जो कल्चर है उसकी प्रैक्टिस भी होती है, मिडिल वाली भी होती है, और नई वाली जो संविधान की वो भी होती है। सभी मनुष्य को रेगुलेट करते हैं। जो धर्म होता है यानी जो रिलीजन होता है और जो पॉलिटिक्स होती है और जो इकोनॉमिक्स होती है, ये तीनों एक ट्राइंगल होते हैं। यानी कि अगर आपके पास पैसा बढ़ेगा तो आप अपने धर्म को यानी पुरानी पद्धति को बढ़ा सकते हैं या जो संविधान है उसकी पद्धति को बढ़ा सकते हैं, किसी को भी जिसको आप मानते हैं या जिसमें आपका फेथ है, और आप उसके हिसाब से अपनी पॉलिटिकल पावर बढ़ा सकते हैं। यानी ट्राइंगल का एक कोना अगर आप बढ़ाएंगे तो दो अपने आप बढ़ेंगे, और अगर एक घटाएंगे तो दो घट जाएंगे। यानी कि अगर आपने पास पैसा कम है तो आपकी राजनीति कमजोर हो जाएगी और आपका जो धर्म है वो क्षेत्र कम पड़ जाएगा। आपकी अगर राजनीति पावरफुल है तो आपका पैसा भी बढ़ेगा, आपका धर्म भी बढ़ेगा। अशोक के समय में अशोक ने जब राजनीतिक पावर हासिल कर ली तो उसने धर्म को अपनाया और धर्म को उसने बढ़ाया। धर्म बढ़ा तो लोग बढ़ गए तो उसका राज बढ़ गया, राज बढ़ गया तो उसकी पावर बढ़ गई, उसकी राजनीतिक पावर बढ़ गई। और जब अशोक का धर्म चला गया, उसका राज भी चला गया, उसकी पावर भी चली गई। यानी कि एक धर्म के घटने से दोनों चीज चली गई, एक धर्म के बढ़ने से पूरी चीज बढ़ गई। तो ये एक ट्राइंगल है, ये तीन कोने हैं। एक कोने को खींचेंगे दो अपने आप बढ़ेंगे, एक कोने को अगर छोटा करेंगे तो दो अपने आप होंगे। ये पूरी दुनिया में चलता है। तो आपने ट्राइंगल के तीन कोनों के जो त्रिकोण है उसके तीन कोनों के या जो त्रिभुज है उसके तीन कोण जो कोने हैं उनमें से दो तो आपने पहले ही मना कर दिए। तो आपने कहा ये गैर राजनीतिक है और ये गैर धार्मिक है। अब आपके पास एक कोना बचा, भाई एक कोना लेके कौन सा त्रिभुज बनाओगे, कौन सा ट्राइंगल बनाओगे, और इस ट्राइंगल का क्या कर लोगे? और ये लोगों को बेवकूफ बनाते हो कि हम सामाजिक संगठन है, हम दबाव बनाएंगे। भाई किस पे दबाव बनाओगे? आपका दबाव सुनेगा कौन? आप करोगे क्या? लोग इतने ज्यादा धर्म भीरू हैं या धर्म भीरू हैं कि उनको जीने के लिए धर्म चाहिए।
तो धर्म का ज्ञान करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि हर धर्म की जानकारी तो लो भाई, आप धर्म से भागो मत, आप किसी के धर्म को गाली मत बको, आप किसी के धर्म को कोई तुतड़ाक मत बोलो, आप किसी के धर्म को कुछ मत कहो। धर्म सबके लिए है, धर्म पे किसी का पेटेंट नहीं है, चाहे वो विषम है, चाहे वो सम है, चाहे वो कैसा भी है, मगर आप जब तक उसकी जानकारी नहीं लोगे और आप ऊपर से उसको करते रहोगे, कहते रहोगे, तो आप अंतर नहीं समझ सकते। बाबा साहब ने कहा है कि सभी जितने भी रिलीजन हैं या जो धर्म है उनकी जानकारी लेनी चाहिए, आदमी को समझना चाहिए। भाई जानकारी लोगे तभी तो समझोगे, बिना जानकारी लिए किसी ने कह दिया आपने उसकी बात मान ली तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन। तो बेहतर है कि कम से कम अगर आपको जानकारी नहीं है बिना, तो किसी की मानो मत आप, क्योंकि जब तक आप खुद ना उसको अनुभव कर लो, जैसा भगवान बुद्ध ने कहा है अलार कलाम के सूत्र में कि आप खुद अनुभव करोगे तो जानोगे, अनुभव करो तो जानो, ऐही पस्सी को आओ और देखो इसको। तो देखा तो आपने है नहीं, किताब कोई आपने पढ़ी नहीं, एनालिसिस भी कोई आपने बनाया नहीं, धर्म का आपने सीधे ताला लगा दिया, धर्म का ताला लगा दिया, आपसे लगाया हुआ है, बहुत पहले से लगाया हुआ है। और लोगों ने धर्म को अख्तियार करके, धर्म का एनालिसिस करके और सभी धर्मों की जानकारी लेके सत्ता हासिल कर ली, आप देखते रह गए। भाई उन्होंने तो राजनीति से सत्ता हासिल कर ली, धर्म से हासिल कर ली, उन्होंने सामाजिक संगठन जो बनाए, मगर समाज में तो ये चीजें आती आती हैं। तो मेरा मन थोड़ा सा खराब हो गया कि भाई 70 साल पुरानी बातों को भूलो, और पढ़े लिखे हो तो सभी धर्म का अध्ययन करो, सभी धर्मों का अध्ययन करो और उनकी अच्छी अच्छी बात देखो कौन कौन सी है। सभी धर्मों में, सभी धर्मों के अंदर अच्छी अच्छी बात है, उनको निकाल लो, जो बुराई है उन्हें छोड़ दो। किसी के धर्म को हट मत करो, किसी के धर्म को उकसाओ मत, किसी से घृणा मत करो, घृणा हमेशा आपकी शक्ति कमजोर करेगी, प्यार हमेशा बढ़ाएगी। अगर आप दूसरे व्यक्ति की अच्छी बातों को ये कहोगे कि आपकी ये बहुत बहुत अच्छी बात है, तो अच्छी बातों में आपको क्या दिक्कत है? अगर सारे धर्म और मजहब ये कहते हैं कि चोरी नहीं करनी है, तो सभी ये कहते हैं इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या हमें लेना देना कि ये खराब ही अच्छा है। लोग कहाँ लड़ रहे हैं? लोग लड़ रहे हैं पहनावे पे, तेरा कपड़ा ऐसा, मेरा कपड़ा ऐसा, तेरी टोपी ऐसी, मेरी टोपी ऐसी, तेरे बाल ऐसे, मेरे बाल ऐसे, तेरा जूता उल्टा, तेरा जूता सीधा, तेरा कपड़ा ऐसा, तेरा रंग बिरंगा ऐसा, तेरा रंग ये, तेरा रंग वो, तेरे में ऐसा करते हैं, मेरे में ऐसे करते हैं, तू ये खाता है, मैं ये पीता हूं। ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। धर्म का और धर्म का अध्ययन करके पाओगे कि ये चीजें तो मनुष्य ने बनाई हैं आपस में उलझाने के लिए, और कुछ चालाक लोग हैं जो उसका फायदा उठाते हैं, लड़ाते हैं। दुनिया में एक भी धर्म या एक भी मजहब ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि आप आपस में लड़ो, मनुष्य आपस में लड़े, क्योंकि सभी मनुष्य के वेलफेयर के लिए बने हैं। और जो मनुष्य के वेलफेयर के लिए है, जो मनुष्य के कल्याण के लिए है, जो मनुष्य के लाभ के लिए नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो फिर अधर्म है या अधर्म है। ये बात क्लियर हो जाती है। तो कोई व्यक्ति ये कह दे कि मैं जिस पद्धति को मानता हूं वो मनुष्य के वेलफेयर के लिए नहीं है, उसके कल्याण के नहीं है, तो वो खराब है अपने आप में, उसे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। तो दो बातें तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो गैर राजनीतिक और गैर धार्मिक बना रहे हैं, इनसे इनका कल्याण नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाद में गैर राजनीतिक और गैर धार्मिक कहा, और वो बाद में फिर धर्म के अंदर भी जंप कर गए और फिर वो राजनीति में भी जंप कर गए, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया। मगर धोखा दिया उन्होंने, धोखा इसलिए दिया कि पहले स्टेप पे उन्होंने कहा कि गैर राजनीतिक और गैर धार्मिक है, और दूसरे स्टेप पे वो राजनीति में चले गए, और तीसरे स्टेप पे धर्म पे चले गए। तो वो धोखा दिया, यानी वो सच्चे लोग नहीं है। आप पहले स्टेप पे कहो ना कि भाई ये धार्मिक है, हम इतने समय बाद राजनीति में जाएंगे, इतने समय बाद हम धर्म में जाएंगे, या हम धर्म में जाते हैं राजनीति में, धर्म इंडिविजुअल है, आप अपने आप बढ़ाओ, जिसका है हम सबका सम्मान करते हैं, राजनीति में जाना पड़ेगा क्योंकि ये देश का प्रोसेस है, ये सिस्टम है, तो इसकी तैयारी हो रही है। तो आप कहोगे हम सपोर्ट करेंगे किसी राजनीतिक दल को, अरे वो भी तो राजनीति है। अगर आप सामाजिक संगठन का नाम बनाते हो और कहते हो गैर राजनीतिक है, और बाद में कहोगे कि हम राजनीतिक दल पे हम दबाव डालेंगे, अरे वो भी तो राजनीति है, वो दबाव की राजनीति है, तो किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? अब इतना समय हो गया है, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो। जो सीधा सच्चा बोल के काम करेगा, लोग उसका इज्जत करेंगे, फिर बाद में उसको झूठा नहीं बोलना पड़ेगा। बहुत सारे नेताओं को देखा है मैंने, तो शुरू में गैर राजनीतिक गैर धार्मिक बोलते हैं, बाद में राजनीति में भी जाते हैं और धर्म में भी जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने आधा घंटा एक घंटा इस बात पर लगाया कि इस नए संगठन को हम क्यों बनाएं और संगठन में और हमें क्या अंतर है। हर आदमी यही कहता है जब संगठन बनाता है, चार आदमी कहीं इकट्ठे होते हैं बेवकूफ से, जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम बड़े बुद्धिजीवी हैं, बहुत बढ़िया हैं और हम लीड करेंगे। अरे भाई तुम कैसे लीड करोगे? यहाँ लीड करने के लिए 10,000 आदमी चाहिए, तुम 7-8 आदमी चाहते हो कि हम लीड करेंगे, फिर तुम उसकी परिभाषा बनाते हो, मेरा संगठन इसलिए अच्छा है, मेरा संगठन इसलिए अच्छा है, मेरा संगठन इसलिए अच्छा है। अरे अगर एक संगठन के अलावा 20 संगठन बनते हैं तो वो कोई संगठन अच्छा नहीं है। अगर संगठन अलग अलग बनते हैं तो पहले ही स्टेप पे वो सारे खराब हैं। अगर आपकी सोच ये है
कि मैं एक अलग संगठन बनाऊंगा और मेरा संगठन अच्छा है, तो आपकी सोच ही गलत है। बेसिकली बाबा साहब अम्बेडकर ने या भगवान बुद्ध ने कब कहा कि आपको अलग संगठन बनाना है या अलग संघ बनाना है? एक बार कुछ भिक्कुओं ने अलग 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 कुछ संघ बना लिए और अलग अलग मठ बना लिए, अलग अलग रहने लगे। उन्होंने कुछ आसामी बना ली और वो खाने कमाने लगे। भगवान बुद्ध को पता चला कि ये कुछ लोगों से भिक्षा लेते हैं, उनसे चीवर लेते हैं, अलग अलग हैं, धर्म का पालन नहीं हो रहा है। भगवान बुद्ध वहां गए, उनको समझाया, वो नहीं माने क्योंकि उनकी दुकान बढ़िया चल रही थी। वो तो वहां के स्वयं शंभू नेता हो गए, अब तो वही बुद्ध हो गए, वहां उन्हीं की चलती थी, उन्हीं का मठ था। तो भगवान बुद्ध वहां से चले आए तो लोगों ने कहा, अरे ये कैसे निकम्मे हैं, अपने शास्त्र, अपने टीचर, अपने गुरु की बात नहीं मानते, चलो इनका दाना पानी बंद करो, इनका सपोर्ट बंद करो, इनकी बात नहीं मानो, ये गंदे लोग हैं। और लोगों ने उस बात को मानना बंद कर दिया, उनका दाना पानी खाना बंद कर दिया, भूखे मरने लगे। भूखे मरने लगे तो समझ में आया कि संघ में रहना है तो ही इज्जत है, संघ में रहेंगे तो ही शक्ति है। भगवान बुद्ध ने जो पाराजिक नियम है, पाराजिक का मतलब है कि ऐसा नियम जिसके अंदर माफी नहीं है, उसमें एक ये भी है कि अगर भिक्कु ने भिक्कु संघ को तोड़ा और भिक्कु भेद किया, यानी संघ भेद किया, संघ को अलग तोड़ा, तो वो अक्षम्य है, कभी माफ नहीं होगा उसको। हमेशा जैसे देश निकाला होता है, तड़ी पार होता है, ऐसे भिक्कु संघ से हमेशा के लिए निकाल देते थे उसको, उसको नहीं रखते थे। वो तो पाराजिक नियम है, वो बुद्ध को मानने के बराबर, वो माँ बाप को हत्या करने के बराबर नियम माना है उन्होंने। वो व्यभिचार यानी कि जो काम वासना है, जो बलात्कार है, उसके बराबर नियम माना है उन्होंने। चार ही नियम है पाराजिक में। तो भिक्कु जो संघ भेद है, तो आप तो संघ भेद कर रहे हो भाई। बाबा साहब ने कब कहा था कि भाई एक संगठन बना, फिर तुम दूसरा संगठन बनाना, फिर तुम तीसरा बनाना, फिर तुम 10,000 बनाना, फिर तुम 10,005 बनाना, 10,020 बनाना। तो वो जो व्यक्ति अपने आप को 7-8 ये कहते हैं, अरे भाई आपको काम करना है, आपको काम करने की इच्छा है, आपको लगता है कि आपके जैसा कोई काम नहीं कर रहा, तो आप उनको कहो ना कि भाई तुम्हारा काम हमें पसंद नहीं आया, हम भी काम करना चाहते हैं, आप अपने पसंद का ढूंढो। संगठनों की संख्या कम करो ना, 10,000 से 9,000 करो, 9,000 से 8,000 करो, 8,000 से 5,000 करो, 5,000 से 4,000 करो, करो धीरे धीरे, करते करते एक हो जाना चाहिए। ये एक नहीं होगा तो आप नेक नहीं हो और आपका कुछ होने वाला नहीं है। और आपका तो खैर होगा या क्या होगा, मगर ये जो पब्लिक है जो आपसे उम्मीद लगा रही है, ये जो युवा हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, ये जो युवतियां हैं पढ़ी लिखी जिनकी शादियां भी नहीं हो रही हैं, जिनको कोई रोजगार भी नहीं मिल रहा है, ये जो बच्चे हैं जिनकी नौकरियां मिलेंगी नहीं कभी, इनका बड़ा नुकसान होने वाला है। आज की डेट में तो यंग है, अभी मोबाइल में लगे हुए हैं, ये रिचार्ज करा लेते हैं, दुनिया भर की उल्टी सीधी पिक्चर देखते हैं, जल्दी इससे बाहर निकल जाएंगे, कुछ मायूस हो जाएंगे, कुछ थोड़े से क्रिमिनल बन जाएंगे, कुछ ठीक ठाक कहीं काम मिल गया तो ठीक है, बड़ी बुरी स्थिति आने वाली है। तो आप नए नए संगठन जो बना रहे हो और अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो और आप ये कह रहे हो कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम बड़े जानकार हैं, आप आधे बुद्धिमान हो, आप कोई जानकार नहीं हो। आपका ईगो अंदर, अहम अंदर है, उसको आप कवर किए हुए हो। आपको अगर लगता है कि कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, तो आपको कहना चाहिए कि भाई आप लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हो, आप अलग संगठन बना के अलग काम करो। ये सबसे गलत नीति है, ये सबसे बेकार और घटिया नीति है। अपने आप को कितना जस्टिफाई करो, या आप 10-5 लोगों को इकट्ठा करके उनको नेता बना दो, आपको लगता हो कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बेसिकली आप सबसे घटिया काम कर रहे हो, क्योंकि आप संघ भेद कर रहे हो, आप एक संघ और बना रहे हो और उसको जस्टिफाई भी कर रहे हो और अपने आप को बुद्धिमान भी कह रहे हो। और पॉलिसीज क्या है आपकी, वो 70 साल पुरानी पॉलिसीज हैं जो काउंटर हो चुकी हैं, जो खत्म हो चुकी हैं। क्या नॉन रिलीजियस और नॉन पॉलिटिकल, ये क्या है, ये तो खत्म हो चुकी हैं। वो सारे लोग पॉलिटिकल भी हो चुके थे और वो सारे लोग रिलीजियस भी आ चुके थे, उनको नहीं थी समझ, आपको तो है, कम से कम समय से सीखो। बाबा साहब ना नॉन पॉलिटिकल थे और ना बाबा साहब नॉन रिलीजियस थे। उन्होंने ठोक के कहा कि मेरा जो रिलीजन है वो इंडिजीनियस है, वो भारत का रिलीजन है, और ये देखे जा रहा हूँ, किताब देखे जा रहा हूँ। तो बाबा साहब को कैसा फॉलो करते हो भाई, बाबा साहब को आधा फॉलो करते हो, टुकड़े कर दिए बाबा साहब के, दो हिस्से कर दिए, ये वाला हिस्सा मानूंगा, ये नहीं मानूंगा, और तुमने तो तीन कर दिए, पॉलिटिकल वाला हिस्सा नहीं मानूंगा, रिलीजियस वाला हिस्सा नहीं मानूंगा, 1/3 बाबा साहब का हिस्सा बचा उसे मानूंगा, क्या कर लोगे उससे? एक विद्वान को जिसको पोस्ट लगा के सर पे घूम रहे हो, जय भीम करके बोल रहे हो, उसकी 2/3 हिस्सा तो तुमने 66% तो तुमने पहले फेंक दिया, और 1/3 को लेकर तुम क्रांति करोगे? अरे जिस व्यक्ति ने संपूर्ण चीज देखी, सारी चीज बताई, सारा बताया, जो दुनिया का दूसरे नंबर का विद्वान है और जो दुनिया का पहले नंबर का विद्वान तुम्हारे पास है, तुम जब उसकी पूरी बात नहीं मानोगे तो रिजल्ट तो आधा ही आएगा ना, ऐसे ही आएगा, टुकड़ों में आएगा, क्या करोगे तुम? 10-5 साल पैसा इकट्ठा करोगे, अपनी जेब का पैसा खर्च करोगे, जो लोग नए नए हैं उनको गुमराह करोगे, फिर नेतागिरी में कहीं जाके हाथ तरजमाओगे, मायूस हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। बाकी संगठनों का देख लो ना क्या हो रहा है, बूढ़े हो गए लोग, रिजल्ट तो नहीं आ रहे और आएंगे भी नहीं। तो इस बात को समझो, बुद्धिजीवी हो तो बुद्धि को निकालो बाहर, और भाई बुद्धिजीवी नहीं हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, सॉरी। समझ गए तो थैंक यू। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को
और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Share.